नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। नई दिल्ली में ऑड इवन की तैयारी शुरू हो चुकी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को ऑड इवन से संबंधित दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तथा परिवहन विभाग सहित अन्य एजेंसियों की तैयारी बैठक की। बैठक में 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक घोषित ऑड इवन स्कीम के दौरान सीएनजी वाहनों को छूट दिए जाने के लिए नए रंग रूप के स्टिकर दिए जाने का फैसला किया गया है। पिछले ऑड इवन में स्टिकर 15 लोकेशन पर दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार 50 सीएनजी पंप पर स्टिकर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दिए जाएंगे। सीएनजी वाहन के स्टिकर नकली ना बने, इसकी जाँच के लिए आईजीएल एक ऐप भी बनाएगा, जिसमें वाहन नंबर डालते ही स्टिकर का नंबर सामने आ जाएगा। और एक और बात की 15 साल से पुराने सीएनजी वाहनों को छूट वाला स्टिकर नहीं मिलेगा। बैठक में महिलाओं की कार को ऑड इवन में छूट दिया जाए या नहीं, ये सवाल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पूछा तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी, परिवहन आयुक्त राजीव वर्मा और डीटीसी के एमडी मनोज कुमार सहित कुछ अन्य अधिकारी छूट दिए जाने के पक्ष में दिखे। महिलाओं की कार को ऑड इवन में छूट दिए जाने को लेकर परिवहन विभाग व महिला आयोग से कमेंट मांगे हैं, उसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। ऑड इवन में लोगों की दिक्कत कम करने के लिए 2000 प्राइवेट बसें डीटीसी किराए पर लेगा। डीएमआरसी 50-60 अतिरिक्त ट्रिप अलग अलग लाइन पर लगाएगी। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही ढेर सारी खबरें देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करें।